हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ में आप लोग शायद अपने 11th एंड 12th का बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए कितना मुश्किल है मेरे लिए आप लोगों को पढ़ाना, क्योंकि आप लोगों की कोई पिक्चर या इमेज मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कितना आसान है मुझसे पढ़ना, क्योंकि मैं आपको दिखाई देती हूँ। राइट, तो जो चीज हमें दिखाई देती है उसको समझना और पढ़ना या फिर उससे इंटरेक्ट करना कितना ईजी हो जाता है। चलिए, मोर्फोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की। तो पिक्चर्स के साथ थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे तो शायद इंटरेस्टिंग भी होगा और समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लांट किंगडम के अंदर कि हम लोग ने जो प्लांट किंगडम है उसको डिवाइड किया है कितने, हमारे 5 क्लासेस के अंदर। तो हमने देखा कि सबसे लास्ट में जो आती है वो आती है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं और जो सीड होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट की मोर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, और जब हम उनकी मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे, क्योंकि हम वहां पे हम लोगों ने उस टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी में स्किप भी कर दिया था, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी करेंगे, फिर हम एनाटॉमी करेंगे, और उसके बाद में जब हम रिप्रोडक्शन उसके अंदर पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा ये टॉपिक होता है, तो उसमें आपके दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है, फ्लावरिंग प्लांट जो है, ये याद रखिए जितने भी प्लांट स्पीशीज है नोन है उनमें मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स ही है, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है सबसे ज्यादा उनकी स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मोर्फोलॉजी। तो पहले बताइए, मोर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम प्लांट्स के एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स जो है, उनके फीचर्स जो है, उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। अब प्लांट्स के पास में हमारी तरह आंख नाक कान तो है नहीं, ठीक है, तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो इनमें है नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम लोग सब चीजें समझ जाएंगे। चलिए, तो देखिए ये आपके लिए एक टिपिकल प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग लेके आए हैं, जिसके अंदर ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी प्लांट जो है अगर आप उसके अंदर देखोगे तो क्या है, दो सिस्टम हमें नजर आते हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका रूट सिस्टम और दूसरा क्या आता है? शूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम किसको बोल रहे हैं? यानी जिसके अंदर आती हैं रूट्स आती हैं, और रूट में भी कौन कौन सी रूट आ रही है? देखिए रूट भी है इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस तरह से रूट हो सकती है। ये रूट वो हिस्सा है, हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको बोल रहे हैं अंडरग्राउंड हिस्से को, ठीक है। तो अंडरग्राउंड हिस्सा वो जो है उसको हम रूट बोल रहे हैं, जिससे क्या होती है आपकी, ये आपकी प्राइमरी रूट है और उसी से निकल रही है सेकेंडरी, एंड देन ये टर्सरी रूट जो है उनसे निकल सकती है। तो इसको हमने क्या बोला है? रूट सिस्टम बोला है। रूट जैसे ही दिमाग में आता है तो समझिए ये क्या है, हमारे घर की नींव होती है, उसी तरीके से कि पूरा का पूरा घर उस नींव पे खड़ा होता है, वैसे ही रूट भी है प्लांट्स के लिए, उनकी नींव यानी कि जो क्या रहती है, जमीन में धंसी रहती है, और जिसके ऊपर पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, वही है जो क्या करती है, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर, जो भी न्यूट्रिशन है उसको रूट जो है वो प्रोवाइड करती है पूरे प्लांट को, वाटर जो है वो भी प्रोवाइड करती है। तो रूट जो है जो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये सनलाइट के कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बट स्टोरेज का काम ये कर सकती है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर सकती है, और स्ट्रेंथ देने का काम कर सकती है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो रूट है पहला सिस्टम हमारा, रूट सिस्टम, एंड देन शूट सिस्टम। शूट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? शूट के अंदर प्लांट का मेन स्टेम आ जाता है, जिस पर ब्रांचेस लगती हैं, लेटरल ब्रांचेस जो है वो लगती है, ग्रो करती है। इसी के साथ में इनके ऊपर क्या लगी होती है? ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है, और ये लीफ क्या होती है? यही फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि फूड बनाती है प्लांट्स के लिए, और यही से फूड जो है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर क्या होता है? प्रोवाइड होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया? किचन एरिया हो गया जहाँ पे फूड बन रहा है, और फिर उसकी सप्लाई जो है वो हर रूम में हो जाएगी, जिस जिसको रिक्वायरमेंट है। कहीं होते हैं ना, हम लोग बैठे होते हैं, हम अपने रूम में बैठ के खाना पसंद करते हैं, पापा अपने रूम में बैठ के खाना पसंद करते हैं, तो जो भी जहां भी बाकी जितने भी हैं इसके हिस्से फैमिली के मेंबर हैं उन सबको ये प्रोवाइड कर देंगी। चलिए उसी के साथ में और क्या है भाई, इनके ऊपर जो है शूट सिस्टम का ही पार्ट आपका आ जाता है फ्लावर। फ्लावर जो है वो कौन सा पोर्शन है भाई? वो है रिप्रोडक्टिव। ऑर्नामेंटल तो है, दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है प्लांट जो है जिनपे फ्लावर ग्रो करते हैं, तो बट उसी के साथ में फ्लावर जो है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, जहां पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, एंड देन उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, न्यू प्लांट न्यू प्रोजेनी, है ना, वो जो है ना उसकी मशीन हम बोल सकते हैं, ये फैक्ट्री एरिया है। फ्रूट जो है, ये देखिए फ्रूट, फ्रूट जो है
उनमें जिनमें सीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पोर्शन जो है वो भी किसका है, शूट का ही पार्ट है। यानी कि हम शूट सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, राइट, स्टेम पे लगने वाली जो लीफ है उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रूट पढ़ेंगे तो फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उन सीड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं शूट सिस्टम, यानी दो पोर्शन में हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं मोर्फोलॉजिकली, रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। स्टार्ट करेंगे हम रूट सिस्टम से, ठीक है। चलिए रूट, तो भाई रूट के बारे में इमेज क्रिएट हो सकती है आपके दिमाग में, अंडरग्राउंड पोर्शन है सॉइल के अंदर, ये देखिए पेनिट्रेट पोर्शन है जिसको हम बोल रहे हैं रूट। जरूरी नहीं है रूट जो है वो हमेशा रेडिकल से निकले, दो शब्दों को ध्यान रखिए, पहले ही आ गए हैं, सबसे एंड में पढ़ेंगे वैसे तो ये शब्द, जब हम लोग सीड तक पहुंच जाएंगे वहां जाके बर्ड आएंगे प्लूमूल एंड रेडिकल, लेकिन चैप्टर की स्टार्टिंग में भी ये दोनों शब्द जरूर आते हैं क्योंकि साइकिल है, चलता रहता है ऐसे ही। चलिए तो आपके जो हम बोल रहे हैं कोई भी सीड है ना, ये आपका सीड है, इस सीड ने क्या किया, जर्मिनेट हुआ, और सीड जब जर्मिनेट हुआ तो इससे क्या निकलता है, एक हम ये बोलते हैं पॉजिटिवली जियो, हम ये बोलते हैं कि जो जियोट्रोफिज्म शो करता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर जो प्लांट का पार्ट मूव करता है उसको हम रूट बोलते हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। रेडिकल वो हिस्सा है जो कि पॉजिटिव क्या फोटोट्रोफिज्म शो करता है, जो नेगेटिव जियोट्रोफिज्म शो करता है ग्रेविटी की उल्टी डायरेक्शन के अंदर जो ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये ऊपर बनाएगा शूट पोर्शन बनाएगा और ये नीचे की तरफ रूट पोर्शन बनाएगा। जरूरी नहीं है रूट हमेशा रेडिकल से ही निकले, ठीक है। तो हम रूट के करेक्टर रखने वाले उन सभी को फिर क्या है अलग अलग तरह के नाम देते हैं, बट एक टिपिकल अगर हम पूछे कि रूट किसे बोलते हैं तो वो जो रेडिकल से निकल रही है, नेचुरल नॉर्मल कंडीशन है ये। इसके अलावा फिर रूट जो है वो कई और कंडीशन में भी निकल सकती है, तो वही उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रूट जो है वो किससे डेवलप हो रही है उसके आधार पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। टैप रूट हम किसको बोलते हैं, टैप रूट वो रूट है पहली बात तो जो रेडिकल से निकल रही है ना, जो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रूट जो है वो जो आप एक अच्छी क्लियर करती है डेफिनेशन को रूट की, तो वो टैप रूट है। टैप रूट जो है मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर टैप रूट ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है मस्टर्ड, मस्टर्ड एग्जांपल ना आपको कई जगह मिलेगा, बहुत जगह मस्टर्ड एग्जांपल मिलेगा, कंफ्यूज होना ही नहीं है। डाइकॉट प्लांट है, टैप रूट इसके अंदर प्रेजेंट होती है मस्टर्ड के अंदर। फाइब्रस रूट हम किसको बोलते हैं, मोनोकोट, ज्यादातर कुछ मोनोकोट्स जो होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में फाइब्रस रूट जो होती है ये जो स्टेम है, स्टेम को हम बोलते हैं जो उसका बेस हिस्सा है वहीं पे निकलती है इस तरह से धागे की तरह, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है, फाइबर की तरह, कई सारे फाइबर गुच्छे की तरह, बट रेडिकल से नहीं निकल रही है। तो आप फाइब्रस रूट को एडवेंटिशियस रूट बोलो तो क्या गलत होगा, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या हुआ कि वो रूट जो टैप जो रेडिकल से तो नहीं निकलती है, और रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी हिस्से से अगर निकल जाए तो वो कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो देखिए ये एडवेंटिशियस तो हम इसको भी बोल सकते हैं, बट चूंकि मोनोकोट के अंदर बहुत ज्यादातर फाइब्रस रूट देखने को मिलती है तो एक अलग टाइप बना के आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया, हम उसी आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट प्रेजेंट है, एग्जांपल आपको दिया है वीट, तो इसी के साथ में याद रखिए मोनोकोट है कौन, वीट, चलिए वीट जो है वो मोनोकोट है। एडवेंटिशियस रूट जो है वह किसी से हिस्से से निकले, एग्जांपल दिए हैं जैसे कि ग्रासेस के अंदर, मॉन्स्टेरा के अंदर, बनियान ट्री के अंदर जो है वो एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसी भी हिस्से से निकलती हो, चाहे अगर आप कोई लीफ ले लीजिए है ना, ब्रायोफिल, ये ब्रायोफिलम जो है आपके लीफ ले लीजिए, लीफ के भी अगर नॉच ये एरिया है अगर उसके भी मार्जिन से अगर इस तरह से निकल गए तो उसको भी एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। अगर ये स्टेम है और स्टेम के हम बोलते हैं कि नोड वाला जो हिस्सा है अगर उससे भी रूट निकल रही है तो उसको भी आप क्या बोलोगे, एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। तो किसी भी हिस्से को छोड़ दीजिए, रेडिकल को छोड़कर किसी भी हिस्से से निकल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। ग्रासेस के अंदर ऐसा ही होता है, नोड हिस्से से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजन ऑफ रूट, रूट के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। देखिए ये टिपिकल रूट का डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से, हम लोग बोलते रहते हैं ना कि आप पढ़ने के तरीके बताते हैं, तो हमने खुद ने ही बुक में आपको ये चीजें प्रोवाइड की है। देखिए जो रूट है उसके सबसे आगे एक कैप प्रेजेंट होती है ना, सबसे आगे हम बोल सकते हैं कि जो उसका टर्मिनल पोर्शन है यहाँ पे जो है रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये कैप जो है एक्चुअल में रूट जब पेनिट्रेट करती है सॉइल में तो उसको बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो उससे बचाती है। ये रूट कैप अगर
नष्ट हो जाती है तो फिर दोबारा से ये रूट कैप जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हिस्सा हो गया कौन सा, रूट कैप। इस रूट कैप के नीचे ही छोटा सा एक हिस्सा है ना, जहां पर सेल जो है कंटिन्यू क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है ना वो बोलते हैं। क्यों भाई, मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम जो टिश्यूज होते हैं, अभी टिश्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर क्या करें, अभी साइंस है ना, टर्मिनोलॉजी आगे पीछे यूज होती रहती है, तो साथ साथ भी पढ़ते रहिए, फिर पढ़ेंगे जब दोबारा से पढ़ लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, वो टिश्यू जो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, है ना, और आगे और क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो है उनको बनाने का काम करते रहते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक एरिया है जो, इसकी वजह से क्या होती है, रूट की ग्रोथ होती है, कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है ये एरिया। तो इसी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होंगे वो इस एरिया के बारे में अगर आप बताएं तो गलत नहीं होगा, राइट। फिर इसके बाद का जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये वो रीजन है जो कंटिन्यू क्या है, इनके सेल डिवीजन की वजह से जितनी भी न्यू सेल्स फॉर्म होती है उसकी वजह से क्या, जो एरिया इलोंगेट होता है उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, इसके बाद में रीजन जो आ जाता है वो आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि वो एरिया जहां पर अब कोई भी डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन जहां पे नहीं हो रहा है, और ये मैच्योर एरिया है जहां पर क्या है, कई सारे रूट हेयर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, कवर करके रखते हैं ताकि उनकी क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। रूट हेयर हम किसको बोल रहे हैं, हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, जो बहुत ही डेलिकेट होती है और जिसका काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। एक तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रही है, ज्यादा क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में, अगर सोचिए ये सिलेंड्रिकल एरिया होता है, एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, एक उनकी क्या है इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा, तो एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रही है, जिसके साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं, तो सारे के सारे फंक्शन किसके हो गए, आपके रूट हेयर के हो गए। तो ये एक टिपिकल रूट के अंदर ये रीजन प्रेजेंट रहते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, इतना ही मेंशन है, तो ज्यादा मत पढ़िए, इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है आपके लिए। चलिए फिर आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कभी कभी रूट जो है वो अपने नॉर्मल काम जो है उसका, उससे छोड़कर कुछ और फंक्शन भी करने लगती है, तो हम बोलते हैं वो रूट जो है अब क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है ना, उनमें रूपांतरण आ गया है। तो ये रूपांतरण किस तरह के शो कर सकती है, तो रूट जो होती है ये फूड स्टोर करने के लिए भी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, एडिबल होती है। अब एडिबल तो है, हम लोग खा सकते हैं, जिनको हम एडिबल में काउंट कर रहे हैं, जैसे कि कैरेट है, आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, बिल्कुल, बीटरूट है, आप उसको भी खा सकते हो, आप मूली खाते ही हो, रेडिश। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक्चुअल में रूट के ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो रूट नॉर्मल तो हम लोग रूट देखते हैं ना, अगर कहीं किसी भी तुलसी वुलसी के पौधे को अगर उखाड़ लीजिए या कहीं से भी, तो रूट देखते हैं वो रूट, और कहां गाजर, ये गाजर को देखें तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये भी रूट है क्या, तो कंफ्यूज ना होइए। तो रूट जो है वो मॉडिफिकेशन शो करती है फूड स्टोर करने के लिए, जब ये क्या हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे, देखिए अभी ये याद मत रखिए कॉनिकल रूट, फ्यूजीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट, जरूरी नहीं है ये सारे नाम याद करने, एनसीईआरटी ने दिए ही नहीं है, अपना दिमाग वहां क्यों खपाना, खपाओ कहाँ पे, जो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने उतना ही याद करो ना। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि फूड स्टोर कर सकती है, अब फूड स्टोर कौन कौन कर सकती है वो याद रखिए, एक तो टैप रूट जो होती है वो भी ये मॉडिफिकेशन शो करती है, एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो भी मॉडिफिकेशन शो करती है, यानी वो भी क्या करती है, फूड स्टोर करके फूल जाती है। ठीक है, अब टैप रूट के अंदर आपको एग्जांपल दिया है कैरेट का, टर्निप का, तो याद रखिए ना इन्हीं एग्जांपल को, कैरेट को याद है, ये टैप रूट है का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए। एडवेंटिशियस रूट में आ जाती है स्वीट पोटैटो, ठीक है ना, शक्करगंदी, वो क्या है, वो भी रूट है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट है, जिसने क्या किया, फूड स्टोर किया है। अब वो उसका भी क्या नाम है वो याद रखने की कोशिश मत करिए, फालतू का अपने दिमाग का आप क्या करेंगे, एनर्जी ही जो है ना लगाएंगे भी और अपना दिमाग भी खराब करेंगे, तो इतना याद रखिए। ठीक है, तो टैप रूट के लिए कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए कौन सा है, स्वीट पोटैटो। चलिए फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए भी ये क्या करती है, मॉडिफिकेशन शो करती है। ठीक है, सपोर्ट के लिए नॉर्मल इनकी रूट तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा कुछ और रूट भी डेवलप कर लेती है सपोर्ट के लिए, जैसे कि बनियान ट्री, है ना, अभी बरगद का पेड़ तो इतना बड़ा पेड़ होता है, तो वो क्या करता है, ये बरगद का पेड़ है, तो ये अपने तरफ से क्या करती है, इनकी लेटर जो ब्रांचेस होती है वो इस तरह से रूट डेवलप कर लेती है, जिन रूट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। तो बनियान ट्री के अंदर प्रेजेंट होती है प्रॉप रूट। अब चूंकि देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, बहुत हमारे साथ में आघात कर दिया, ऊपर तो इनके नाम नहीं दिए लेकिन नीचे आते ही फिर देखो सपोर्ट के लिए जो दिए हैं उनके नाम दे दिए, तो अब क्या करें, अब दे दिए हैं तो याद कर लीजिए। तो प्रॉप रूट प्रेजेंट होती है किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर। प्रॉप रूट किसका एग्जाम्पल है, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। चलिए नाउ मेज एंड शुगरकेन, इनके अंदर क्या होता है, इनके भी तना क्या करता है, ये इनका जो लोअर नोड है यहां से कुछ इस तरह से तिरछी रूट्स निकल जाती है, जिनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट भी क्या है, मॉडिफिकेशन है, ये भी
मेज एंड शुगर केन के अंदर। तो ये जो हम ये बोलते हैं मोनोकॉट जो है, जो बड़े ही लचीले जिनके क्या होते हैं तने होते हैं, तो वो हवा से हिल विल ना जाए, गिर ना जाए, तो इनके लोअर खुद की इनके नॉर्मल फाइब्रस रूट तो निकलती है, ये फाइब्रस रूट तो इनके अंदर है ही है ना, जो इनके अंदर प्रेजेंट है अंडरग्राउंड, बट इनका लोअर नोड जो होता है ना वो भी क्या करता है एक्स्ट्रा में रूट इस तरह से बना लेता है, इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ताकि और तना आराम से क्या है खड़ा रहे। तंबू तानते हैं ना, करते नहीं है तंबू को नीचे से किलो से तो बांधते हैं, फिर एक और धागा लगा के उसको और टाइट बांधते हैं ताकि वो हवा से हिले नहीं। तो वैसे बेचारे लचीले सॉफ्ट इनका स्टेम है, तो इसके लिए इनके अंदर स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है। तो याद रखेंगे स्टिल्ट रूट क्या है। फिर आ जाता है फॉर द रेस्पिरेशन। अभी कंडीशन ऐसी है कि उन वो जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं हमारे ये राइजोफोर प्लांट्स, तो वहां पर क्या है वॉट उनकी जो सॉइल है उसके अंदर एरिशन नहीं है, हवा नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो क्या करेंगे अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे। चेंजेस क्या लेके आए, उनकी रूट जो है वो क्या कर गई है अभी अपर डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, बाहर निकल गई है। तो ये जो रूट बाहर निकल गई है राइजोफोर के अंदर, तो इनके अंदर क्या न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये गैसेस एक्सचेंज करती है। तो ये रेस्पिरेटरी रूट है, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन शो किया है, एनसीईआरटी ने यही दिया, तो याद रखिए राइजोफोरा, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये इनके अंदर न्यूमेटोफोर्स जो है वो प्रेजेंट है, ये डायग्राम में आपके एनसीईआरटी ने दिया, तो इसको याद करते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया किसके लिए, रूट के लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट, रूट जो है वो क्या क्या काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है वाटर का, वाटर के साथ मिनरल्स है वो भी जाएगा सॉइल से, फिर सपोर्ट का काम तो कर ही रही है, ठीक है। उसके अलावा फूड स्टोर करने का काम कर रही है, मॉडिफिकेशन हो गया है ना, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हॉर्मोन्स जो है कुछ उनके भी सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो रूट्स आपकी करती है। चलिए ये हो गया रूट, और रूट के साथ में रूट सिस्टम भी खत्म, इतना सा ही पोर्शन है याद करने के लिए। फिर आ जाता है स्टेम। स्टेम कौन सा है, वही आपका हम ये बोलते हैं कि ग्राउंड से बाहर निकला हुआ स्टेम, जैसे दिमाग में आता है यही चीजें दिमाग में आती है हमारे कि स्टेम किसको बोल रहे हैं, जो क्या है ग्राउंड से बाहर निकला हिस्सा है जो हम सनलाइट के कॉन्टेक्ट के अंदर रहता है, जिसके अंदर क्या होते हैं नोड व इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। नोड इस एरिया को बोल रहे हैं, इंटरनोड दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड बोल रहे हैं। तो ये है आपका नोड, ये है आपका इंटरनोड, ठीक है। नोड वो एरिया है जहां से या तो लेटरल ब्रांचेस निकलती है, इनसे लीफ भी निकल सकती है। नोड ही रीजन पे क्या है हमारे क्या है फ्लावर्स वगैरह ये सब एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह जो है ये लगती है, इंटरनोड रीजन के अंदर ये सब चीजें नहीं लग सकती है। इसका स्टेम का डेवलपमेंट होता किससे है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके एम्ब्रियो नल एक्सिस के दो हिस्से हैं, एक तो रेडिकल था, ठीक है, रूट बनाया, एक प्ल्यूम्यूल है जिसने क्या बनाना है आपका स्टेम बनाना है, ठीक है ना। तो सीड के जर्मिनेट होने से निकलती है। अब इसी के ऊपर बर्ड्स वगैरह टर्मिनल बर्ड एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड किसको बोलेंगे भाई, टर्मिनल बर्ड बोलेंगे जो एकदम स्टेम का अगर ये हिस्सा है तो यहाँ जो बर्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल, और उसकी एक्सियल बर्ड किसको बोलेंगे, मान लीजिए ये ब्रांच है तो यहाँ पे अगर कोई बर्ड लग रही है ना लेटरल ब्रांच के इस पोर्शन में तो इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। तो बर्ड्स लगती हैं इनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा लीफ जो है वो लगती है, और यंग जब ये होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, और आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वुडी हो जाता है टाइम टू टाइम निकलने के बाद में। स्टेम जो खुद है वो भी मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, यानी स्टेम के बारे में करेक्टर जब भी याद रखते हैं तो अंडरग्राउंड तो याद आता ही नहीं है, यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन शो करता है, कभी कभी अंडरग्राउंड भी होता है ये। चलिए तो स्टेम भी मॉडिफिकेशन शो करके अपने अलग अलग जो है तरह का दिखने लगता है। अभी देखिए क्या कौन सा है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो नोड इंटरनोड लेटरल ब्रांचेस और ये सब दिमाग में चल रही है, एक खड़ा है ना तना आपको नजर आ रहा है, वो सब चीजें दिमाग से भूलिए। अब इमेजिन करिए अलग सी चीज जैसे कि पोटैटो जिंजर टर्मरिक है ना जमीकंद कोलोकेसिया, ठीक है। तो ये वो सब है जो फूड स्टोर करने के लिए अपने अंदर स्टेम जो है वो मॉडिफिकेशन ले आते हैं। अब आलू को देखकर तो सोच ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम जो होता है वो स्टेम क्या करता है इस तरह से, ये जो स्टेम है ये इस तरीके से देखिए सॉफ्ट सा ऐसा स्पाइरल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल है एक्चुअल में क्या काम करती है, कोई भी सपोर्ट के लिए कि प्लांट क्या करता है अगर कोई सॉफ्ट अगर स्टेम है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, अगर ये एयर वगैरह जो है इस ये कंडीशंस को बहुत तेज हवाएं लगती है तो इन सबको सहन नहीं कर सकता, तो ये टेंड्रिल फॉर्म कर लेता है, मॉडिफिकेशन ले आता है, किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है जिसे आसानी से ही ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो टेंड्रिल जो है ये भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए कुकुम्बर पंपकिन वाटरमेलन, कुकुरबिटेसी फैमिली अगर याद करेंगे, वैसे आपके एनसीईआरटी में दी नहीं है,
बट ये उसी के एग्जाम्पल है। तो कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन जो है, इनकी जो स्टेम होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो टेंड्रिल फॉर्म करते हैं, तो स्टेम टेंड्रिल जो है उनमें प्रेजेंट होता है। थॉर्न, कभी कभी इनकी एक्सिलरी बड जो होती है वो नुकीले इस तरीके से तीखे से जो होते हैं ना कांटे जैसे बनाती है, जिनको थॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन है। किसमें है भाई? बोगनवीलिया। बोगनवीलिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसके लिए। और सिट्रस, सिट्रस के अंदर भी जो है वो थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, सिट्रस एंड बोगनवीलिया। अब इसके लिए कुछ भी आप बना सकते हो, CBBC ऐसे करके। सब लोग क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे वो शॉर्ट फॉर्म ले आते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। अब बी याद करने से बोगनवीलिया ही दिमाग में आएगा क्या? बी याद करने से बॉम्बेक्स भी दिमाग में आ सकता है भाई, है ना? बोहराविया भी दिमाग में आ सकता है, ये भी तो प्लांट के ही नेम है, ऐसा थोड़ी ना। तो बस वो ये है, आपको क्या है, बोगनवीलिया एंड सिट्रस अगर सीधा याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे रिपीटेशन के बाद में अपने आप याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। फाइलोक्लेड किसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ जो, ये जो स्टेम होता है वो लीफी हो जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे ओपुंशिया के अंदर तो ऐसा ही होता है। ओपुंशिया के अंदर स्टेम जो इस तरह से होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइन लगता है, और जो इनकी लीव्स होती है वो इस तरह से क्या होती है, स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो देखकर समझ नहीं आता कि कौन सा लीफ है और कौन सा आपका स्टेम है। तो ये जो लीफी पोर्शन दिख रहा है लीफ जैसा, वो एक्चुअल में स्टेम है, फोटोसिंथेसिस के लिए उसने चेंज लेके आया है। एग्जाम्पल है ओपुंशिया। ओपुंशिया बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, यही दिया जाता है। और यूफोर्बिया, इनके अंदर जो है इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यही एग्जाम्पल है, आप कभी भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, यही हमें देखने को मिलते हैं। स्टोलन, अगर देखिए मिंट एंड जैस्मिन के अंदर ये कंडीशन होती है, स्टेम जो है, ठीक है, इनसे एक लेटरल ब्रांच जो है वो निकलती है, और ये लेटरल ब्रांच जो है थोड़ा सा ऊपर ग्रो करने के बाद में फिर क्या होती है, नीचे की तरफ जो है ना ग्रो करती है, एंड देन फिर ये वापस एक नया प्लांट जो है वो बना लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बड़ा आसान है। यहां से फिर दूसरा प्लांट जो है उसको सेपरेट किया एंड ग्रो कर लिया। जो लोअर जो हम बोल रहे हैं नोड से जो ब्रांच निकल रही है, जो पहले अपवर डायरेक्शन में एंड देन नीचे की तरफ मूव करती है, एंड देन नया एक प्लांट जो है उसको ग्रो कर देती है, ये नया प्लांट बन गया, इसको स्टोलन बोलेंगे। एग्जाम्पल है मिंट एंड जैस्मिन। मिंट के अंदर एंड जैस्मिन के अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है। ऑफसेट किसको बोलते हैं भाई? आइकोनिया एंड पिस्टिया। वाटर जो प्लांट्स है उनके अंदर होता है, ये पानी है, पानी पर इनके क्या होते हैं, ये नोड व इंटर नोड इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है वो तैरते रहते हैं, और इनके नोड रीजन से जो है ना वो इस तरह से लीफ जैसी बहुत मासल लगती है, यू लगता है ना, इस तरह की जो है स्ट्रक्चर निकलती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑफसेट। उसके अलावा इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा पिस्टिया एंड आइकोनिया, वाटर प्लांट्स है। सकर क्या होता है भाई? सकर हम किसको बोलते हैं? ये बनाना एंड पाइनएप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ नहीं है, इनके अंदर अगर हम ये बोल रहे हैं अंडरग्राउंड जो इनका स्टेम का पोर्शन है वहां से अपर डायरेक्शन में इस तरीके से जो है ना ये न्यू जो है प्लांट निकलता है अंदर से। अगर आप लोग ना घर में अगर आप लोगों ने लगाया होगा केले का पेड़, तो आप देखोगे उस पेड़ के पास में ना अचानक से छोटे छोटे से ना ग्रीन कलर के और दूसरे तने निकलने लगते हैं, स्टेम निकलने लगते हैं। तो वो होते क्या है, शक्कर होते हैं, एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का टाइप ही है। आप चाहो तो उसको सेपरेट करके उस प्लांट से दूसरे गमले में लगाएंगे या दूसरी जगह लगाएंगे तो वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जो आप पढ़ोगे भी, नेचुरली शक्कर हम उसको बोल रहे हैं कंडीशन को, पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये हम 12th के टॉपिक के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सकर तो बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम हम के अंदर सकर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में अंडरग्राउंड नोड है ये, ठीक है। और यहां पे स्टोलन के अंदर क्या था, ये आपका ग्राउंड एरिया है, उसके जस्ट ऊपर का जो लोअर नोड है वहां से निकल रहा है, अंदर जा रहा है एंड देन ऊपर जा रहा है, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो ये स्टोलन है और ये सकर है, क्लियर आप लोगों को। चलिए नाउ नेक्स्ट, फंक्शन स्टेम के क्या है भाई? ये बियर करते मतलब इनके ऊपर रहती है, लीव्स लगते हैं, फ्लावर फ्रूट है ये सब लगते हैं। वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस जो है ये इनका काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन की है आगे, तो वही सारे मॉडिफिकेशन इन्हीं सब चीजों की वजह से हुए हैं, तो ये सारे फंक्शन इनके होते हैं। चलिए आगे, लीफ। लीफ जो है वो क्या है, लेटरली लगती है, कोई भी प्लांट है ये आपका स्टेम है, स्टेम में हम ये बोल रहे हैं कि नोड रीजन से जो है वो लीफ निकलती है। लीफ जो होती है अगर हम देखें तो ये किससे निकलती है, ये ध्यान रखिए, तो लीफ जो है वो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वहां से निकलती है, और ये एक्रोपिटल तरीके से आगे की तरफ इस तरीके से लीफ जो है ना आगे की तरफ इस तरह निकलती रहती है, एपिकल मेरिस्टेम से ग्रो होती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में आगे की तरफ निकलती रहती है, जैसे यहां से निकली, यहां से निकली, इस तरह से जो है वो आगे की तरफ ये ग्रो करती रहती है। ये लीफ जो है वो मेन
हम बोल सकते हैं पार्ट है प्लांट का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी वजह से हो रहा है। तो लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से इसको समझिए। अगर एक नॉर्मल लीफ को अगर आप देखोगे तो क्या है, ये वो स्टेम पोर्शन है ना, जहां से क्या है आपकी लीफ निकली है, तो वो हिस्सा जहां से आपका लीफ जो है वो अटैच रहती है किससे, आपके स्टेम से, उसको आप क्या बोलते हो, लीफ बेस बोलते हो। छोटा सा एक स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां से लीफ लेमिना जो है वो लीफ बेस से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पिटियोल। ठीक है, एक्सिलरी बड यहीं पे जो है आपकी लगती है, उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कभी कभी प्रेजेंट होती है, जरूरी नहीं है हर बार हमेशा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया लेमिना, और लेमिना के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो इस तरह से लीफ के अंदर जो है वो मिडरिब और यहाँ पे इनसे कई वेन्स एंड मेनलेट्स निकलेंगी। एक्चुअल में ये वेस्कुलर बंडल ही है जो कि पूरे के पूरे लीफ में इस तरीके से फैले हुए हैं। तो मिडरिब सेंटर में वेस्कुलर बंडल जो है ना वही प्रेजेंट है, और वहीं से वेन एंड मेनलेट्स निकली होती है। तो ये लीफ का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये देखिए इसके डायग्राम के अंदर ये लीफ लेमिना है पूरा हिस्सा, और इसके बीच में लीफ के एकदम सेंटर के अंदर जो ये साइज में थोड़ी बड़ी सी होती है, इसको हम बोलते हैं मिडरिब। लीफ लेमिना वो हिस्सा है जहां पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए, पिटियोल आपको मालूम ही है, स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक लीफ बेस वो एरिया जहां से ये कनेक्ट करता है, एक्सिलरी बड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। चलिए अभी देखिए, लीफ बेस जो होता है वो अगर हम बात करते हैं मोनोकोट्स के अंदर, तो मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो लीफ बेस जो होता है वो इस तरह से जो स्टेम का पोर्शन है वहां पे एक शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होके उसको पूरा यूं कवर कर लेता है, तो ऐसा हो सकता है। और समटाइम किसी किसी में लीफ बेस जो होता है इस तरीके से मोटा फुला हुआ रहता है, यहाँ पे जिस ये स्टेम के जिस एरिया से लगा है इसको हम बोलते हैं पल्विनस। तो पल्विनस जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए, बाकी आपको पता है लीफ लेमिना जो है वो क्या है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके ये जो मार्जिन्स होते हैं, ये मार्जिन एंटायर भी हो सकते हैं या फिर कटे छटे भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें है। तो ये नीम की पत्ती को इमेजिन करिए, नीम की पत्ती में इसी तरीके से होता है मार्जिन्स, है ना। और अगर आप पीपल की पत्ती को इमेजिन करेंगे तो देखिए मार्जिन्स एंटायर होते हैं। ये लीफ टिप जो है ना ये भी सब में अलग अलग तरीके का होता है, बट इतनी आपके मोर्फोलॉजी जो है ना वो है नहीं एनसीईआरटी में, तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक लाइन दी है एनसीईआरटी ने, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिए, ये सब में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका लीफ का स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं लीफ के बारे में, वेनेशन। लीफ वेनेशन किसको बोलते हैं, भाई लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी मिडरिप प्रेजेंट है ना, और उस मिडरिप से क्या है कई सारी वेन्स निकल रही है, और वेन्स जो है उनसे भी छोटी छोटी और वेन्स निकल रही है, तो जिनको वेनलेट्स बोलते हैं। ये है आपका लीफ लेमिना। तो ये जो है अरेंजमेंट इनका, वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। अब ये अरेंजमेंट जो है ना ये दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है रेटिकुलेटेड या हो सकता है पैरेलल। रेटिकुलेटेड किसको बोलेंगे, जो मैंने बनाया है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेटिकुलेटेड जाल जैसा अगर है। पैरेलल किसको बोल रहे हैं, जब ये सारी की सारी वेन एंड वेनलेट्स इस तरीके से एक दूसरे के क्या है पैरेलल प्रेजेंट होती है, ये देखिए ये पैरेलल प्रेजेंट है एक दूसरे के जो इसमें नजर आ रही है, तो ये किसमें प्रेजेंट है, मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट है। चलिए, तो जिसमें भी पैरेलल वेनेशन दिखे समझ जाइए कि वो क्या है, मोनोकोट है, और जिसमें भी रेटिकुलेटेड दिखे समझ जाइए वो क्या है, डाइकॉट प्लांट है। बड़ा आसान तरीका है समझने का कौन सा मोनोकोट और कौन सा डाइकॉट, कभी भी गार्डन में निकले तो समझ जाइए। कुछ एक्सेप्शन जरूर है बट वो इतने आपको ज्यादा उतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए, टाइप ऑफ लीफ, लीफ दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है सिंपल या फिर हो सकती है कंपाउंड। सिंपल लीफ किसको बोलते हैं कि वही जो आपके सिंपल हम बोल रहे हैं कि ये स्टेम है और इस स्टेम से डायरेक्टली जो लगी होती है उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, ये जो लीफ है इसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। ठीक है, अब इनके मार्जिन्स एंटायर हो सकते हैं, इंसिजर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ये सब चीजें हैं, बट इनमें याद रखिए जो अगर कटाव इंसिजर्स प्रेजेंट है तो वो कभी भी मिडरिप तक या पिटियोल तक नहीं पहुंचेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो इनके जो मार्जिन्स है, मान लीजिए ये लीफ है ना, ये लीफ के अंदर ये जो इसके इस तरह से कट प्रेजेंट होते हैं ना, ये कट अगर मिडरिप तक पहुंच जाए या फिर ये कट जो है आपके पिटियोल तक पहुंच जाए, तो इसकी वजह से क्या होती है, छोटी छोटी लीव्स जो होती है ना वो फॉर्म हो जाती है, ये इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, मॉडिफिकेशन आया, तो इस तरीके से जो है ना मॉडिफिकेशन की वजह से इस मिडरिप के ऊपर कई छोटी छोटी लीव जो होती है ना वो लग जाती है, तो इस तरह की लीव को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह की हुई, अगर ये इंसिजर्स जो है ये
कहां तक पहुंचे, मिडरिप तक। जब मिडरिप तक पहुंचे तो क्या होगा, ये लीफ जो है इस तरीके से लगेगी जैसे कि मैंने बनाई है। इसको हम बोलते हैं कैसी, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है ना। पिनेटली कंपाउंड लीफ किसमें मिलती है, नीम के प्लांट में। नीम में ऐसी होती है, ये देखिए नीम के अंदर ऐसी है ना। ये आपकी मिडरिप है जिसको अभी हमने क्या बोल दिया, रेकीज बोल दिया। और इस पर क्या है, ये आपके छोटी छोटी जो है लीफलेट्स लगी है जिनको हमने क्या बोला है अभी, पिनेटली कंपाउंड। सिल्क कॉटन के अंदर अगर आप देखोगे तो पर्मेटली कंपाउंड है। ये कैसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी कि ये जो लीफ है इसके जितने भी इंसिजर्स है वो पिटियोल तक आए होंगे, ऐसे एक ही जगह पे आए हैं इस तरीके से। तो अभी लीफ जो है सारी एक ही जगह से निकली, क्यों एक ही जगह से निकल पाई तो बनी कैसे, पर्मेटली कंपाउंड, हाथ की तरह ना, जैसे हाथ से एक ही पॉइंट से इस तरह से निकली है। तो ये सिल्क कॉटन के अंदर प्रेजेंट होती है, पिनेटली एंड पर्मेटली। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाते हैं आपकी फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर वो किस तरीके से अरेंज है उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। याद रखिए इन टर्मिनोलॉजी को भी, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम किस तरह से अरेंज है। अब ये कैसे हो सकता है, या तो अल्टरनेट या अपोजिट या फिर रोल्ड। अल्टरनेट किसको बोलेंगे कि मान लीजिए ये एक स्टेम है ना, इस स्टेम से क्या देखिए चाइना रोज में है, ये एक स्टेम है और इसके एक नोड से पहले एक लीफ निकली है ये, देन सेकेंड नोड से निकली है सेकेंड लीफ, देन अगले नोड से निकली फिर एक और लीफ, फिर निकली है एक और लीफ। इस तरीके से क्या है, हर एक नोड से एक इधर इस तरीके से क्या है लीफ निकलती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इनके अंदर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, ठीक है। अपोजिट किसके अंदर मिलेगी, अपोजिट का मतलब ये होगा ये आपका क्या है एक नोड है, इसी नोड से इधर भी एक लीफ निकली और इधर भी निकली, अगले नोड से इधर भी एक लीफ निकली और इधर भी, तो ये क्या हो गई अपोजिट हो गया। तो एग्जांपल कौन सा है, गुआवा और कैलोट्रोपिस, आक जो होता है उसके अंदर भी अपोजिट होती है फाइलोटैक्सी, इस तरह से एक ही नोड से दो लीफ निकलती है। रोल्ड किसको बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर कई सारी लीफ है, देखिए एक चक्र जैसा बना रही है ना पूरा का पूरा, ये देखिए कई सारी लीफ है। अल्स्टोनिया, इसके अंदर जो है आपकी रोल्ड होती है, एग्जाम्पल भी सिंगल एक ही दिया हुआ है अल्स्टोनिया, याद करने में भी बड़ा आसान है। चलिए तो ये हो गया रोल्ड, तो तीन तरह की फाइलोटैक्सी लीफ में लीफ के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ भी मॉडिफिकेशन शो कर रही है। देखिए कभी कभी लीफ जो होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल तो उसी स्ट्रक्चर को ही बोलेंगे। अब पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट के अंदर जो लीफ का जो टिप एरिया होता है वो क्या होता है इस तरीके से टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है ताकि इजी वे में क्या है ग्रोथ हो सके उसकी। स्पाइन के अंदर भी, कैक्टस के अंदर ऐसा ही होता है ना, लीफ जो होते हैं ये आपका स्टेम तो कन्वर्ट हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और लीफ जो होती है वो स्मॉल इस तरह से स्पाइंस बना लेती है ये कैक्टस के अंदर। ये देखिए स्पाइंस के अंदर क्या हो गया मॉडिफाइड, ये लीफ जैसा दिख रहा है जो, ये क्या है ये तो मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये होता है कैक्टस के अंदर। फूड स्टोरेज करने के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है। अगर आप लोग देखेंगे अनियन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा व्हाइट व्हाइट होता है वो क्या है रिड्यूस स्टेम होता है, और उसके ऊपर इस तरह से ये जो है लीव्स जो है कॉन्सेंट्रिक कंडीशन पे मॉडिफिकेशन शो करती है, मासल हो जाती है फूड स्टोर करने की वजह से, ठीक है ना, ये इस तरह से जो है अरेंज रहती है। तो अनियन में और गार्लिक के अंदर ये कंडीशन होती है, तो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। पिटियोल जो है परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, पिटियोल जो है वो क्या हो जाता है लीफी हो जाता है लीफ जैसा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर है ना, इसके अंदर क्या होता है पिटियोल जो होता है वो लीफ जैसा हो जाता है। मॉडिफिकेशन टू ट्रैप द इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट अगर देखोगे तो उसमें तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर अगर देखोगे तो उसके अंदर लीफ जो होती है ना वो क्या हो जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक पिक्चर बना लेती है, जिसके अंदर कोई भी जिसको भी इंसेक्ट को पकड़ना है वो उसको पकड़ देती है। और उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन ये होते हैं कि लीफ का जो एपेक्स होता है वो लिड बना लेता है उसको कवर करने के लिए, ढक्कन जैसा जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। उसका पिटियोल जो होता है वो राउंड हो जाता है टेंड्रिल जैसा हो जाता है, तो उसमें तो कई तरह के मॉडिफिकेशन है, बट लीफ का मॉडिफिकेशन क्या पिक्चर फॉर्म कर लेती है इसके अंदर वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट जो है उसमें। चलिए नाउ द इनफ्लोरोसेंस, हम फ्लावर पे आ गए हैं, स्टेम जो है स्टेम के ऊपर लगते हैं फ्लावर, ठीक है। फ्लावर हम किसको बोल रहे हैं, मॉडिफाइड शूट को ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई शूट है ना, कोई स्टेम है, ये मान लीजिए ये स्टेम है, इस पे लगे हैं नोड व इंटर नोड। अब ये जो नोड एरिया है इससे क्या निकल रही है लीफ निकल रही है, लीफ निकल रही है, मान लीजिए ये लीफ निकली है, इसने मॉडिफिकेशन शो किया और फ्लावर बन गया। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में भी तो ऐसा ही होता है, एक छोटा सा क्या है आपका थैलेमस प्रेजेंट है, उस पे आप देखोगे तो ये देखिए सेपल्स प्रेजेंट होती है, देन पेटल्स प्रेजेंट होती है,
स्टैमंस आ जाते हैं एंड गाइनोशियम आ जाता है। थोड़ा और क्लियर पिक्चर बनाते हैं हम इसकी, बड़ा ही मुश्किल हो गया यहाँ पे बनाना, चलिए डायग्राम भी दिया इसलिए। तो ये देखिए उसमें थैलेमस में क्या होता है, ये बीच में गाइनोशियम आ गया आपका, ये फिर यहाँ से स्टैमंस आ गए, ठीक है, फिर ये क्या है पेटल्स आ गई, यहाँ पे सेपल्स आ गए। तो ये क्या हुआ है, जो आपका स्टेम था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मॉडिफाइड हो गया, और जितनी भी जो आपकी लीव्स हैं वो उन्होंने क्या है उसके चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो है पार्ट्स में, फ्लावर के पार्ट्स में, वो क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है। तो मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, कौन, फ्लावर। अब देखिए फ्लावर में होगा क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, फ्लावर मेरिस्टेम के अंदर, और फिर ये जो है बना लेता है पूरे फ्लावर को। इनफ्लोरोसेंस हम किसको बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस शब्द, देखिए फ्लावर जो होता है वो या तो सॉलिटरी हो सकता है कि स्टेम के ऊपर डायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो आपका ये मैंने बना दिया और ये फ्लावर है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सॉलिटरी फ्लावर, हमने इसको बोल दिया ये स्टेम है, लेकिन याद रखिए, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेम नहीं बोल दूं, अब मैं इसको मैं फ्लोरल एक्सिस बोल दूं, और मैं कहूं इस फ्लोरल एक्सिस पर कई फ्लावर लगे हैं, ये फ्लावर एक्सिस पर कई सारे फ्लावर लगे हैं, और ये फ्लावर एक्सिस खुद जो है वो लगी है किसके ऊपर, एक स्टेम के ऊपर लगी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरोसेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। अब ये इनफ्लोरोसेंस दो तरह का हो सकता है, या तो रेसिमोस या साइमोस, अब इनके बहुत सारे टाइप है, उन सबको मत पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी नहीं देती है ना, क्या मतलब है कंफ्यूजन क्रिएट करने का, नॉलेज लेनी है बाद में ले लेना, अभी नीट सेलेक्ट हो जाओ। चलिए तो रेसिमोस हम किसको बोल रहे हैं, रेसिमोस हम बोलते हैं, ये देखिए डायग्रामेटिक देख ले, तो डायग्राम में भी बहुत आसानी से आपको दिया गया, रेसिमोस का मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यू ग्रोथ शो करती है। कंटिन्यू ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि इसके टिप पे, जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या किया, टिप पे फ्लावर बना दिया, मैं अगर इसको टिप पे फ्लावर नहीं बनाती, मैं इसको हटा देती हूँ और मैं कह रही हूँ कि फ्लोरल एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा है और इसके आगे इस तरीके से फ्लावर जो है वो लगते जा रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहा है, इस पे फ्लावर लगते जा रहे हैं, ये आगे बढ़ता जा रहा है एक्रोपिटल ऑर्डर में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। साइमोस क्या बोलेंगे, जो मैंने पहले बनाया था, पहले मैंने क्या बनाया था, पहले मैंने बनाया था इसकी टिप के ऊपर यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना दिया, इसकी ग्रोथ जो मैंने यही रोक दी, फ्लोरल एक्सिस जो है वो ग्रोथ नहीं करता, बट यहाँ से नए फ्लावर जो होते हैं ना बेसिपिटल ऑर्डर में, बेस से हमेशा नए फ्लावर लगते रहते हैं, ग्रोथ तो तब भी हो रही है फ्लोरल एक्सिस की, बट अब की बार कहाँ से हो रही है, बेस से हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो दो हमारे पास में टाइप है, एक है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम रेसिमोस का दिया है, ये साइमोस का दिया है, एनसीईआरटी बहुत ही अपने तरह के डायग्राम देती है, कोई नॉर्मल पिक्चर दे दिया तो कोई बना के दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम तब भी समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्लावर पे कि फ्लावर क्या है, तो भाई फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव, हम बोलते हैं फ्लावर जो है पार्ट है प्लांट का, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, बट हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, ये आपको पता है, एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है ये, आपकी 12th की एनसीईआरटी से हम लोगों ने लिया है डायग्राम, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कोई भी 11th में। तो देखिए ये वो हिस्सा जहां पर ये, जिस पर हम ये बोलते हैं कि चारों रोल इसके फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, थैलेमस है, इसको हमने बोला है थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर जो है 4 रोल प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट रोल जो होता है उससे क्या है, ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली है दोनों साइड में, इनको हम क्या बोलते हैं, ये है कैलेक्स, इसकी हर यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल, कंबाइंडली इस पूरे रोल को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं, ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने चार्ट में बना दिया, तो ये है कैलेक्स, ठीक है। इस कैलेक्स के बाद में बाहर सेम वैसे ही वापस लीफ जैसी जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, बट ये थोड़ी सी बड़ी खूबसूरत सी होती है, कलरफुल होती है, कभी कभी वाइट भी होती है, इनको हम बोलते हैं, हर यूनिट को बोलते हैं पेटल, और कंबाइंडली पूरे रोल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, दोनों ही एसेसरी ऑर्गन है, अट्रैक्शन के लिए बोल सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए, ऑर्गन के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी बोला है। रिप्रोडक्टिव पोर्शन क्या है इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव पोर्शन दो आते हैं, एक आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम, या फिर इसकी जो ये हर ये जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। ये क्या है, स्टैमन्स, ये सारे के सारे इंडिविजुअल, इसको हमने बोला है स्टैमन, ठीक है। और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, और ये आपका क्या है, गाइनोशियम है, इसको हमने बोला है गाइनोशियम, ठीक है। अभी देखिए ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में है। तो यहाँ पे कंडीशन याद रखिए,
बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? दोनों एक में ही प्रेजेंट है। मोनो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसमें एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। बट दो और कंडीशन आती है, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होगा? मोनोशियस का मतलब ये हुआ कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन वाले फ्लावर या ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे हो। यानी कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे एक फ्लावर ऐसा लगा है जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो इस प्लांट को हम बोलेंगे मोनोशियस। या फिर कंडीशन ये है कि इस पर दो तरह के फ्लावर लगे हैं, एक फ्लावर तो क्या है मेल है और दूसरा फ्लावर क्या है फीमेल पार्ट वाला है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे मोनोशियस, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन आ जाते हैं। तो प्लांट के लिए वर्ड यूज किया। डायोशियस का मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग प्लांट जिस पर एक पर मेल फ्लावर लगे हैं और दूसरे पर क्या लगे हैं आपके फीमेल फ्लावर लगे हैं, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट। तो ये चार टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर किस तरह के होते हैं इस हिसाब से, चलिए, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर। तो फ्लावर हो गया ये, तो चार रोल उसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए अभी देखो, फ्लावर जो होता है उसकी वो सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है। एसिमेट्रिकल का तो मतलब क्या हो गया कि फ्लावर जो है उसको हम हमेशा पकड़ते हैं ना, जहां से हम फ्लावर को तोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मेन एक्सिस बोलते हैं। उस मेन एक्सिस को भी हम फ्लावर डायग्राम जब बनाते हैं उसके अंदर मेंशन करते हैं। अगर इस तरीके से तो यहाँ एक रोल बना के हम बताते हैं कि मेन एक्सिस से हमने स्टडी करके पूरे फ्लावर के सारे रोल जो है ना उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, आगे हम देखेंगे। तो ये मैंने फ्लावर को तोड़ा और मैंने इसको ऐसे देखा। जब मैं इसको ऐसे देखती हूँ तो अगर मैं इसके पास में कोई भी एक ऐसा प्लेन ढूंढ पाती हूं जिससे दो मुझे इक्वल हाफ मिल जाएं तो उसको हम सिमेट्रिकल फ्लावर बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे किसी भी प्लेन में अगर मैं उसको कट करूं पर मुझे कोई भी ऐसा प्लेन ना मिले तो मैं उसको क्या बोलूंगी, एसिमेट्रिकल फ्लावर। कहना कहना जो होता है उसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है। कहना के अंदर ये प्लांट जो है ना नॉर्मली आप लोगों के घर में गमलों के अंदर लगा रहता है, ठीक है। तो कहना जो होता है उसके अंदर एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता कि हम उसमें कट करें और दो इक्वल हाफ हमें मिले। सिमेट्रिकल में देखिए फिर दो कंडीशन आ गई हमारे पास में, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर हम कट करते हैं तो उसमें हमारे पास में कई है, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो तब हर बार हमें मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल यूज करते हैं ये मदर एक्सिस जो बनाते हैं उसके अंदर फिर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। जाइगोमॉर्फिक किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे पास में एक ही ऐसा प्लेन होता है जिससे हमें दो इक्वल हाफ मिल सके तो उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, तो उसके लिए साइन यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जरूरी है, मस्टर्ड के अंदर, धतूरा के अंदर, चिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक, पी के अंदर, गुलमोहर के अंदर, बीन के अंदर, केशा के अंदर जाइगोमॉर्फिक। तो ये एग्जांपल याद रखने जरूरी है कि किसमें होता है, पी प्लांट के अंदर जाइगोमॉर्फिक है। चलिए नाउ द फ्लावर, ये ट्राइमेरस, टेंटामेरस, पेंटामेरस कंडीशन इनकी हो सकती है, एनसीईआरटी ने दिया है, तीन 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 के कंडीशन में हो सकती है कि तीन आपके क्या हो, आपके उसके अंदर सेपल्स हो, तीन उसके अंदर पेटल्स हो, ये कंडीशन हो सकती है, या चार चार सेपल चार पेटल्स हो सकते हैं उसको टेट्रामेरस, पांच सेपल पांच पेटल्स है तो उसको पेंटामेरस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बोलते हैं कि कभी कभी लीफ जो एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं, उस ब्रैक्ट की एक्सियल कंडीशन के अंदर अगर फ्लावर लगा होता है तो उसको हम बोल देंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ये नहीं लगा होता तो उसको हम बोल देते ई ब्रैक्टिएट। इसके लिए भी साइन यूज होता है फ्लावर फार्मूला के लिए, बी आर लिख देते अगर ब्रैक्टिएट है, ई बी आर लिख दिया जाता है अगर ई ब्रैक्टिएट होता है फ्लावर फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो ये हो सकती है दोनों में से कोई भी कंडीशन है। चलिए चलिए तो फिर अब यहां पे आ जाते हैं फ्लावर। फ्लावर के अंदर गाइनोशियम और की कंडीशन की वो कहां प्रेजेंट है उस आधार पर भी देखिए फ्लावर के टाइप है। हाइपोगाइनस ओवरी हो सकती है, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अभी हाइपोगाइनस किसको बोलते हैं, ये देखिए हाइपोगाइनस ओवरी है। इसमें देखिए क्या होता है, ओवरी जो है वो इस पोजीशन पे लगी है कि बाकी के रोल जो है उसके नीचे हो, तो ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी बोलते हैं या हाइपोगाइनस। अगेन देखिए मस्टर्ड आ गया इसके अंदर, एमसीबी है ना, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, तो ये जो है हाइपोगाइनस ओवरी है। फिर ये जो दोनों ही है ये आपकी पेरिगाइनस है, हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर इसमें बोल सकते हैं, देखा जाए तो ओवरी, ठीक है, ओवरी और ओवरी के साथ में जितने बाकी के रोल है वो एक ही प्लेन पे है, ये देखिए एक ही प्लेन पे, तो इसको हाफ इंपीरियर या फिर हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन है ये। प्लम में, रोज में एंड पीच में, इनके अंदर क्या होती है पेरीगाइनस। एपिगाइनस का मतलब क्या हो गया,
ओवरी पूरी की पूरी देखे कंप्लीटली थैलेमस के अंदर है, बाकी के रोल जो है वो उसके ऊपर लगे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ओवरी को इन्फीरियर एपिगाइनस। गुआवा में कुकुम्बर के अंदर जो है ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, हम बोल रहे हैं ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके लिए भी साइन यूज हो सकता है। क्या साइन यूज होगा भाई? गाइनोशियम के लिए हम जी लिखेंगे, ओवरी जो है वो क्या है? इन्फीरियर है। ओवरी अगर सुपीरियर है और ओवरी अगर हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर अगर बोले तो इसके लिए ये स्लैश इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन है भाई? ये है एपिगाइनस, ये है हाइपोगाइनस और ये है पेरिगाइनस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। फिर आ जाते हैं कैलेक्स पे। सबसे पहले कैलेक्स जो है आउटर मोल रोल को बोल रहे हैं, जिसकी हर यूनिट को सेपल बोलते हैं। अब ये सेपल्स जो होती है ये या तो क्या हो सकती है, एक दूसरे के साथ में जुड़ी रह सकती है या फिर एक दूसरे से फ्री रह सकती है। ठीक है, अगर ये आपस में क्या है, जुड़ी है, तो उसको बोलेंगे गैमो। गैमो का मतलब मिक्स है, एक दूसरे से यूनाइटेड है। पॉलीसेपलस यानी कि सेपल्स एक दूसरे से क्या है, फ्री है, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं पॉलीसेपलस। अब देखिए ये जो है ये इसके लिए भी सिंबल यूज होता है। कैसे सिंबल यूज होगा? जैसे कि मान लीजिए कि ये कैलेक्स है तो उसके लिए साइन यूज हुआ के। मान लिया पेंटामेरस कंडीशन है यानी कि फाइव सेपल्स प्रेजेंट होंगे। गैमोसेपलस कंडीशन होगी तो इसके चार दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। और अगर क्या है पॉलीसेपलस कंडीशन है तो फाइव लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेपल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं है, फ्री है। तो ये इस तरीके से साइन यूज हो सकता है। चलिए नाउ नेक्स्ट, कोरोला। कोरोला भी वही गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस हो सकता है। कोरोला के लिए साइन यूज होता है सी। वही पेंटामेरस देख लीजिए, ये कंडीशन क्या हुई, पॉलीपेटलस। अगर मैंने कोरोला लिखा एंड फाइव लिख के इसके ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, गैमोपेटलस। चलिए आगे नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं एस्टिवेशन। ये आपके लीफ जो आपके सॉरी सेपल एंड पेटल्स जो है उनके लिए अरेंजमेंट है कि उनका अरेंजमेंट जो है वो फ्लोर किस तरीके का हो सकता है फ्लोरल बर्ड के अंदर। ठीक है, आप उसको देख के समझ सकते हो। तो किस तरह का एस्टिवेशन है, वॉल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। इसको पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं क्योंकि पेपिलियोनेसी फैमिली में स्पेशली प्रेजेंट होता है ये। चलिए वॉल्वेट का मतलब क्या हुआ, सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं उनके मार्जिन जो होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से पास पास में ये प्रेजेंट है ना, जस्ट एक दूसरे को टच करते हुए प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैलोट्रोपिस में मिलता है। अगर ये गैमो कंडीशन होगी तो इस तरह से क्या होंगे, अपन साइन लगा के इनको जोड़ भी सकते हैं, वॉल्वेट। ठीक है, वेल्वेट। उसके बाद में आ जाते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि आपकी जो सेपल या पेटल है उसका एक हिस्सा तो बाहर होगा एक अंदर होगा, एक बाहर एक अंदर, है ना, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से हर सेपल या पेटल के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। अगर वही जुड़े हैं तो आपस में इनको आप इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया ट्विस्टेड एग्जाम्पल। इसके अंदर कौन आता है, चाइना रोज। ठीक है, लेडी फिंगर यानी भिंडी के अंदर भी यही है, कॉटन में भी यही है। एग्जाम्पल याद रखिए जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, ये वही एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है कि एक आपका देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, सेपल या पेटल बाहर है, एक पूरा का पूरा सेपल या पेटल क्या है, अंदर है, बाकी अंदर बाहर, ये भी अंदर बाहर है, इसका मार्जिन देखिए, इसके मार्जिन देखिए, ये भी अंदर बाहर है, यानी एक पूरा सेपल या पेटल अंदर और एक पूरा सेपल या पेटल बाहर। अगर ये कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। किसमें देखने को मिलती है, गुलमोहर के अंदर और केशिया के अंदर, ये हमें देखने को मिलती है इम्ब्रिकेट। वेक्सिलरी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी लीफ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसके अंदर दो लीफ जो होती है, सॉरी लीफ वर्ड यूज किया मैंने, आई एम रियली सॉरी, सेपल या पेटल्स जो है वो अगर क्या है आपके अंदर या फिर बाहर है तो इसको हमने क्या बोला है, इनको हम बोलते हैं विंग्स। और छोटी सी स्मॉल साइज सेपल्स ये जो है आपकी पेटल्स जो है, उन पेटल्स जो आपस में यूनाइटेड है उनको हम बोलते हैं की। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, की विंग्स एंड स्टैंडर्ड। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ जो है आपको एस्टिवेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, पेटल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वेक्सिलरी या फिर पेपिलियोनेसी। तो हमारे पास में एग्जाम्पल भी क्या है, पी एंड बीन्स। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिवेशन। चलिए नाउ नेक्स्ट, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको बोल रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये फिलामेंट है जिससे ये थैलेमस हिस्से से जुड़ा रहता है। ठीक है, एंथर वो हिस्सा है जिसके अंदर क्या होते हैं आपके पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन लगते हैं। ठीक है, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, इसीलिए इसको हमने एंड्रोशियम जो बोला है ना, ये एंड्रोशियम ये स्पोरोफाइट का पार्ट है। अब देखिए ये जो एंड्रोशियम है ये दो कंडीशन में हो सकता है, एपिपेटलस अगर ये पेटल से चिपका हुआ है, क्योंकि देखिए बाहर की तरफ क्या है सेपल्स, देन आती है आपकी पेटल्स, तो ये है आपके स्टेमन। अगर ये इस पेटल से जुड़े हुए होते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, एपिपेटलस कंडीशन। ब्रिंजल में देखने को मिलती है।
एपिफिलस किसको बोलते हैं, लिलीज में जिनके अंदर क्या होता है कि आपके जो सेपल्स एंड पेटल्स अलग अलग नहीं होती, ये दोनों फ्यूज हो जाती है एक दूसरे से, फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ से जब वो अटैच रहता है तो उसको हम बोलते हैं एपिफिलस कंडीशन। तो लिली जो फ्लावर है उनके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो एपिफिलस या फिर एपिपेटलस हो सकता है। अभी देखिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं के देन सी देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। अगर ये एपिपेटलस कंडीशन है तो हम कोरोला को क्या करेंगे, इस तरीके से एंड्रोशियम के साथ में जोड़ देंगे, क्योंकि ये पेटल्स के लिए साइन है ना और ये एंड्रोशियम है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, एपिपेटलस कंडीशन होती है। चलिए नाउ नेक्स्ट, एंड्रोशियम जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं स्टेमन्स और एक दूसरे से फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। देखिए अब इसमें कंडीशन कही है, मोनो एडल्फस कंडीशन किसको बोलते हैं, जब सारे के सारे स्टेमन्स जो है इस तरीके से एक बंडल में जुड़े रहते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। ये आपस में सारे के सारे इनके फिलामेंट जुड़ गए हैं, मोनो एडल्फस। किसमें है भाई, चाइना रोज के अंदर होती है ये कंडीशन। डाई एडल्फस का मतलब क्या हुआ, इस तरह के बंडल तो बनाए हैं लेकिन कितने बंडल बनाए हैं, दो बंडल बना दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन। स्टेमन्स के जो फिलामेंट आपस में जुड़ गए हैं, एग्जाम्पल क्या है आपका पी। और पॉलीएडल्फस कंडीशन, जब इस तरह के कई सारे बंडल बन जाते हैं, है ना, कई कुछ स्टेमन्स आपस में जुड़ गए फिर कुछ कुछ जुड़ के अलग अलग कई बंडल्स बना लिए, सिट्रस के अंदर पॉलीएडल्फस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो एंड्रोशियम भी आपस में क्या हो सकते हैं, एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन्स है वो भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जितने स्टेमन होंगे मान लीजिए 9 है तो उनके आगे क्या बना दिया जाएगा, ब्रैकेट बना दिया जाएगा, तो समझ जाइए कि वो भी क्या है, आपस में यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। चलिए गाइनोशियम, गाइनोशियम बोल रहे हैं किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन को। तो ये है आपका गाइनोशियम जिसके अंदर क्या क्या हिस्सा होता है, थैलेमस पे लगे हुए ये ओवरी, जिसके अंदर लगे होते हैं ओव्यूल, जहां पर क्या होते हैं एग सेल होती है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन सीड जो है उसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी फिर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो हिस्सा है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, जो एक प्लेटफॉर्म स्टिग्मा जो होती है उससे जुड़ी रहती है, जहां पे पोलन ग्रेन जो है आके गिरते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। अभी देखिए स्पोरो जो हम बोले, स्पोरोफाइट प्लांट जो है एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट है, ठीक है, उनके अंदर वो लीफ जिस पर स्पोर बियरिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो आपके स्टेमन्स फॉर्म हुए हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से। ये आपके जो फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा गाइनोशियम, ये किससे फॉर्म हो रहा है, मेगास्पोरोफिल से। अभी मेगास्पोरोफिल के लिए यहाँ शब्द यूज क्या आ रहा है, कार्पल यूज आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम जो है वो एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलकर बन सकता है। अभी कार्पल्स जो है वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से सेपरेट हो सकती है, ठीक है। तो अभी अगर ये आपस में कार्पल्स क्या है, एक दूसरे से फ्यूज है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि ये एक्चुअल में आपकी 12th की एनसीईआरटी से दिया गया डायग्राम है, पेपर का है, बट यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो सिन कार्पस ओवरी उसके अंदर होती है, फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं। अगर कार्पस एक दूसरे से फ्री हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। और ये हमें लोटस एंड रोज के अंदर देखने को मिलती है। ये माइकेलिया जो है ये हमारा 12th का है, तो ये वहां के एग्जाम्पल को हमने यहाँ रखा है, ठीक है। कार्पस एक दूसरे से क्या, फ्री है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। तो ओवरी कितनी तरह की हो सकती है, दो, सिन कार्पस या फिर एपोकार्पस। चलिए नाउ नेक्स्ट, प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट हो सकता है कई तरीके से। ये ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल जो है वो कैसे जुड़े हैं, मार्जिनल है, पी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। पैराइटल, ये ओवरी की वॉल जो है वहां पर ओव्यूल अरेंज है, मस्टर्ड के अंदर, आर्जिमोन के अंदर। एक्सियल का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल के अंदर, ओवरी के एकदम सेंट्रल एक्सिस के अंदर यहाँ पर जो है वो आपके ओव्यूल लगे हैं, और यहाँ पे लोक्यूल यानी सेप्टा भी प्रेजेंट है ना। तो ये है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन आप घर में यूज करते हो वहां देख सकते हो, एक्सियल प्लेसेंटेशन उसमें देखने को मिलता है। प्लेसेंटेशन क्यों बोले, क्योंकि ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू जो है ओवरी वॉल से लगा रहता है। फ्री सेंट्रल किसको बोले, जिसके अंदर आपके ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो सेंट्रल में वैसा ही सेम है एक्सियल की तरह ही है, बस इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। बेसल किसको बोल रहे हैं, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है और वो नीचे इस तरीके से लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। सनफ्लावर के अंदर और मैरीगोल्ड के अंदर है, फ्लावर है ना, फ्लावर के अंदर। एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है, मार्जिनल, पी प्लांट के अंदर, चाइना रोज, टोमेटो के अंदर क्या है, एक्सियल। पेराइटल किसके अंदर है, मस्टर्ड के अंदर, आर्जिमोन के अंदर, एंड फ्री सेंट्रल डायंथस एंड प्रिमरोज, क्योंकि वैसे भी ये बड़ा स्पेशल टाइप का, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए फिर आ जाते हैं फ्रूट। तो फ्लावर जो है
जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल होती है उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद में आपके क्या होगा कि जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ओवरी की वॉल जो है वो बनाती है फ्रूट वॉल को, ठीक है। और जो आपका ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। और उसके जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट के अंदर। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो फर्टिलाइजेशन के बाद में मैच्योर ओवरी जो होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रूट यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी फ्रूट्स जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया है इसलिए पूछ सकते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ओवरी जो होती है, जो फ्रूट होता है उसके फ्रूट की जो बाहर की हम बोल रहे हैं वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं कंबाइंडली, है उसकी कई लेयर हो सकती है फ्रूट वॉल जो, ठीक है, फ्लैशी हो सकती है। पेरिकार्प जो है उसके कौन कौन से पोर्शन है, तीन पार्ट में वो डिवाइडेड होता है, मीजोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ, मीजोकार्प मिडल वाला एंड एपिकार्प आउटर। तो ये फ्रूट वॉल बनती है, इसको फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। पेरिकार्प मैंगो के अंदर, देखिए मैंगो के अंदर ये एपिकार्प है, बाहर का पतला सा हिस्सा ये एपिकार्प है। मीजोकार्प यहाँ पे फ्लैशी हो गया और एडिबल हिस्सा है। और ये आपका एंडोकार्प जो है थोड़ा सा स्टोनी होता है जो एक सीड को क्या होता है, घेरे रहता है। अगर आप इसको बजाओगे ना तो अंदर सीड बचता भी है, कभी गुठली निकाल के उसकी बजा के देख लेना। सेम अगर हम लोग इसमें कोकोनट के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, आप देखोगे कि आपका एंडोकार्प जो है, ये एंडोकार्प ये कैसा हो गया आपका, ये आपका एंडोकार्प है जो क्या है, एडिबल है, राइट। फिर आ जाता है मीजोकार्प, मीजोकार्प जो है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। एपिकार्प कैसा होता है, हार्ड होता है। तो बाहर से हार्ड सा दिखाई देता है ना आपको, ये उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प, ठीक है। बाहर से जो फाइब्रस होता है, अंदर से कठोर जैसा निकलता है वो क्या है उसका, मीजोकार्प। और अंदर की तरफ जो रहता है स्टोनी जैसा रहता है थोड़ा सा, है ना, एडिबल पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो ये है कोकोनट के हिस्से। चलिए नाउ द सीड, देखिए सीड जो होता है ये आपका, अगर सीड है तो उसके आउटर ये जो कोटिंग है सीड के ऊपर की, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, जिसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है। और ये सीड कोट जो है, ये सीड कोट इसकी दो लेयर हो सकती है, आउटर लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, टेस्टा। और इनर लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेग्मेन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो एक्चुअल में किसको बोल रहे हैं, ये एम्ब्रियो वही रेडिकल एंड फ्लूमुल, ये जो है आपका डेवलप हो रहा है, इसमें कॉटिलिडन्स भी जो है वो लगे रहते हैं, ये मैंने डाइकॉट का बना दिया, दो है कॉटिलिडन्स, इसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस जिससे स्टेम, आपका स्टेम और रूट जो है वो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो किसको बोला है, रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन जो है उनको। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या मिलते हैं, दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसमें प्लूमल एंड रेडिकल प्रेजेंट है। बाहर से अगर देखोगे तो हाइलम जो होता है वो स्कार होता है जहां से वो अटैच रहता है फ्रूट के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, है ना। घर के अंदर आराम से आप लोग देख सकते हो, छोले वगैरह अगर खाते हो तो उसमें ये नजर आ जाएंगे आपको, डाइकॉट। मोनोकोट स्टेम जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मोनोकोट के अंदर देखिए, एक तो क्या, एक सिंगल इसके अंदर कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, ये एरिया जो है सिंगल कॉटिलेडन है जिसको स्क्यूटलम बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्यूटलम, ठीक है, ये है आपका सिंगल कॉटिलेडन। फिर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्लूमल एंड रेडिकल दोनों प्रेजेंट है, बट ये दोनों आपस में, ये दोनों के दोनों क्या, एक कवर से, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना उसे कवर रहते हैं। तो पोलियोप्टाइल वो शीथ है जो प्लूमल को कवर करती है, पोलियोराइजा वो शीथ है जो रेडिकल को कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोटीन की लेयर जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरल लेयर बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड अगर है तो उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म जो है वो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मेज जो है, मेज और सीरियल प्लांट जो मोनोकोट्स होते हैं उनके सीड कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको हमने बुक में इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर दिया है। चलिए सीड दो तरह के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एंडोस्पर्मिक होगा, जिनमें नहीं होगा उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, कैस्टर जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, जबकि बीन्स एंड पी प्लांट्स जो है इनके जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। चलिए कुछ सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर, पूरे के पूरे फ्लावर के जितने भी करेक्टर है उन फॉर्मूला को देखकर हम समझ जाते हैं।
ब्रैक्टीरियड फ्लावर है तो बी आर लिखा जाएगा, ई ब्रैक्टीरियड है तो ई बी आर लिखा जाएगा। कैलेक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, पेरियंथ के लिए पी, एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी सिंबल यूज होता है। फिर ये मैंने आपको बता ही दिए थे, मेल एंड फीमेल को शो करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जो नॉर्मल हमारे सिंबल है, बट बाइसेक्सुअल अगर होगा तो उसके लिए सिंबल यूज कर देंगे क्या इस तरह से, यानी दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल एंड जाइगोमॉर्फिक के लिए, ये मैंने सब आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वही पूरा का पूरा आपके फॉर्मूला में यूज होने वाली चीजें। चलिए नाउ द नेक्स्ट, तीन फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में दिए, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। अगर आप लोगों को मॉर्फोलॉजी पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे के सारे करेक्टर्स याद रहते हैं तो ये याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। फैबेसी पैपिलियोनेसी फैमिली है, पी प्लांट के जहां जहां एग्जांपल आए थे वो जो जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। हमने एस्टिवेशन में भी उसके एग्जांपल देखे हैं, हमने सीड में भी उसके एग्जांपल देखे हैं, हमने फ्रूट में भी उसके एग्जांपल देखे हैं, तो वो सारे करेक्टर हमारे पास में यहां आ जाएंगे। और इवन हम लोगों ने जो आपका पिटियोल लीफ बेस है उसमें भी हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि लीफ जो है वो कैसा होता है, पल्विनस लीफ बेस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ है, तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है उनका, क्योंकि एक ही प्लेन होता है ना, हमने बनाया था कि स्टैंडर्ड होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होती है, कील प्रेजेंट है, एक ही प्लेन होता है, डिवाइड कर सकते हैं। सोलेनेसी के अंदर हम लोग बहुत आसान है ये, इसका आप क्या करिए कि इन सबको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप लोग यहां से फ्लोरल फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। जब आप फ्लोरल फॉर्मूला याद करेंगे तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, आप ये याद करिए समझ जाएंगे सारे, और सिंबल भी आपको मैंने बता दिए। अगर ये लगा है तो इसका मतलब क्या कंडीशन हो गई, ये एपी पेटलस कंडीशन है, ये कौन सी है भाई, एपी फिलस कंडीशन है, देखिए दोनों को बता दिया है। तो वही सारी चीजें जो पहले दी गई है, अब आप यहाँ पे ये ट्राइमेरस है, देखिए ये पेंटामेरस है ना, और यहाँ पे भी देखो पेंटामेरस है लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर यहाँ पे ज्यादा भी है। चलिए तो ये उनके एग्जाम्पल फैमिलीज के जो दिए गए हैं, अगर आपने क्लियर वो पढ़ा है तो ये याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप इनको याद कर पाएंगे। वैसे चार्ट के थ्रू हमने बुक में भी दिया है, आसान और भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे अब हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी मॉर्फोलॉजी आपने कितनी अच्छे से समझी है वो मुझे फॉलो अप क्वेश्चन से बताइए। तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों के लिए कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कुछ और भी है यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और देखिए हर बार मैं आप लोगों को ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ कि एनसीईआरटी में इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ले लिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जाम के अंदर। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आज के लिए इतना ही, कल हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो है एनाटॉमी। ओके, आज के लिए बाय बाय।